सब्सक्राइब करें जेके डिश इन्फो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डीटीएच के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, ये है हमारा सॉलिड का SF-363 डिजिटल सैटेलाइट डीबी मीटर, यानी कि एक बेसिकली एक MPG-2 सेट टॉप बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैसे सैटेलाइट डीबी मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर हम देखने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अपना जो सेट फाइंडर है होममेड वाला, इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी जो पूरी डिस्प्ले है वो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मेनू में आपको इंस्टॉलेशन में जाना है, और इंस्टॉलेशन में दोस्तों यहाँ पर आप ट्रांसपोंडर, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सैटेलाइट के बटन से आपको सारे ट्रांसपोंडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोंडर का मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 11,470 वर्टिकल, 29,500 ये वाले टीवी पर अभी सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि हमारी डिश अभी जो है वो DD-free डिश पर ये वाली डिश लगी हुई है। अब इसको हमें कोई और सैटेलाइट पर सेट करना है, और वो भी हम इस मीटर के थ्रू, तो कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप रिमोट में से यहाँ पर जो है कोई और सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड रेड बटन आपको प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर रेड बटन प्रेस करके आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पर से ऐड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी सिम्बोल रेट और पोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐड कर लीजिए। मान लो कि यहाँ पर मुझे यह सेट करना है, तो मैं यहाँ पर 11,881 और सिम्बोल रेट यहाँ पर 27,500 और हॉरिजॉन्टल सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टीपी को ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं आपको वो दिखा दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली टीपी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर से हमें करना ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ से डिश को हमें मूव करना है, अभी 93 पर है, अगर 52 पर लेना है तो यहाँ से डिश इस साइड में मूव करेंगे। पोजीशन जैसे आपको मालूम है कि यह साइड में ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ इस साइड में मूव करना है। तो चले मैं इसे मूव कर रहा हूँ इस तरह से, डिश जो है वो तो दोस्तों यहाँ पर इस पोजीशन पर मुझे कुछ सिग्नल जो है वो इस बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 23, 23, 25, 27 आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्नल हमें आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर सिग्नल जो है इसके आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस सैटेलाइट के डीबी मीटर का यूज़ करके अब यहाँ पर इसकी चैनल को भी हम स्कैन कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम ब्लू बटन से चैनल को स्कैन कर लेंगे, ये देख सकते हो अब यहाँ पर ये टीवी पर ये चैनल यहाँ पर स्कैन हो गई है। तो अब यहाँ पर ओके बटन दबा के इसे सेव कर लूँगा। और अब दोस्तों यहाँ पर मान लो कि 159 नंबर की चैनल है, उसके बाद यहाँ पर हम मैं सिग्नल बटन दबा देता हूँ इस पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नल जो है हमें नज़र आएगा। तो इसी तरह से आप जो भी MPG-2 वाली फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पर आराम से इस तरह से सेट कर सकते हो। अब यहाँ से डिश को मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर डीबी जो है ज़ीरो हो गया है। अब डिश को आपको सेट करते जाना है इस साइड से, इस तरह से डिश को सेट करते जाना है। यहाँ पर आपको डीबी देखते जाना है, जहाँ पर भी ज़्यादा डीबी आपको नज़र आए वहाँ पर से आप अपने डिश को सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है दोस्तों इस सेट फाइंडर को चलाने का, और इसी तरीके से आप जो है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल ला सकते हो जो कि MPG-2 में बेस्ड हो, ठीक है।